हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, सुपर फास्ट स्टडी पे। मैं हूँ तरुण वर्मा। तो दोस्तों, मैं आपका RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, जो कि आपके ALP CPD 2 के लिए, रेलवे के ALP CPD 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं इससे पहले 3 पार्ट करा चुका हूँ 2020 क्वेश्चंस के, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो 1% भी आपके काम की है, 1% भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, मैं ये पार्ट कंटिन्यू करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स आर जनरली यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेंट दैट रिक्वायर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, कंप्रेसर यूज़ होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, हमको इतना तो मालूम है, लेकिन कंप्रेसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर कहाँ पे यूज़ होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर यूज़ होता है ऐसे रेफ्रिजरेंट के लिए जहाँ पर जो आपके लार्ज डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है और जिसका रेफ्रिजरेंट का लो कंडेंसिंग प्रेशर होता है। मतलब आंसर नंबर डी, आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया हैव सेम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। इस क्वेश्चन में खाली ये पूछा गया है यस और नो, क्या वाटर के अल्कोहल और अमोनिया का सेम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा अलग अलग एल्टीट्यूड, मतलब हाइट्स पर? तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, सबका जो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है, वो अलग अलग है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं, ये देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज अ हीट एक्सचेंजर ऑफ। जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर है वो किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है? तो दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका हीट इंजन से है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट ऑकर्स एज लिक्विड बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपांसन वॉल्व। इस क्वेश्चन में आपसे खाली पूछा गया है कि क्या ये कथन जो दिया हुआ है वो सही है या गलत है। तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है, जिसको आपने यूज़ किया है, वो क्या वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कंडेंसर और एक्सपांसन फॉर्म के बीच में? तो हाँ, इसका आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब ही वही होता है कि कंडेंस हो जाता है, जहाँ पे वेपर जो है वो लिक्विड में कंडेंस हो जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा घुमावदार है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है, ये गेट के लेवल के हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है लेवल बढ़ाने के लिए। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज़ अ कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, उसका COP दे दिया है आपको 5। किसका दिया है? हीट पंप का दिया है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको हीट पंप का यहाँ पर COP दे दिया है। अब बोला है, इट वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर टेकिंग 1 kW वर्क इनपुट, द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी। तो हमको दोस्तों रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हम क्या जानते हैं, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप प्लस COP ऑफ आपका रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप आप रख दीजिए 5 है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकल जाएगा हमारा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा 1। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आया 1, और आप जानते हैं कि COP मतलब क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो हमारा COP कितना आ गया है, COP आया है 4। ठीक है फ्रेंड, COP 4 आया है, और हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो है हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है, RE जो हमको निकालना है, और अपॉन में आएगा वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट हम कितना दे रहे हैं, 1 kW। तो आप देख रहे हैं, इसको आप रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आंसर आएगा आपका
4, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसेबल हीटिंग ऑफ एयर, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो क्या होगा सेंसेबल हीटिंग ऑफ एयर के दौरान, एयर की सेंसेबल हीटिंग के दौरान। तो सेंसेबल हीटिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ना वो आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर इज गिवन बाय वेयर T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर एट विद द वर्किंग सब्सटेंस रिसीव्स हीट, T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एंड T3 इज इक्वल टू इवोपोरेटर टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूला है और इसका आंसर है हम देखेंगे व्यू आंसर में, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको पिकअप करना है, तो मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, आप पाउज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल इंक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है सॉलिड की वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, तो ये गलत है क्योंकि कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है मेटल की। नेक्स्ट है आपका, इन फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो ऑफ गवर्न बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्किप कर दीजिए इसको, कि आपका हीट इंजन से है। इन अ रेफ्रिजरेटर मशीन, इन अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज एब्जॉर्ब बाय, हीट रिजेक्टेड इज फिल इन द ब्लैंक्स हीट एब्जॉर्ब। तो एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन है उसमें क्या होगा, एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब। जो रेफ्रिजरेटर मशीन में जितना हीट रिजेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है जितना हीट एब्जॉर्ब किया जाता है रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो आपका रेफ्रिजरेंट है उससे जो ओजोन लेयर है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। ऐसे मतलब ऐसे रेफ्रिजरेंट जिसमें फ्लोरीन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो ओजोन लेयर को ज़्यादा हार्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबो। इसमें जो तीनों जो दिए हुए हैं वो तीनों सही हैं। द कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लाइन्स आर आल्सो कॉन्स्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स। नेक्स्ट है आपका, द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल एट सेचुरेशन कंडीशन। ठीक है, ये भी सही है। द वेट बल्ब टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू, इसको आप स्किप कर दीजिए, इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में क्या होता है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में आपका अमोनिया जो है वो इवोपोरेट्स होता है हाइड्रोजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर ये अमोनिया इवोपोरेट्स इन हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अ बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम हैज, आपको ये बताना है जो बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टू हीट एक्सचेंजर। जो बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग है उसमें दो हीट एक्सचेंजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स दैट द हीट रिमूविंग कैपेसिटी इज। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब होता है आंसर नंबर बी, 210 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट। नेक्स्ट है आपका, द ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर रेफ्रिजरेटिंग यूनिट यूजिंग R12 एज अ रेफ्रिजरेंट इज। जो ऑपरेटिंग प्रेशर है
ऐसे रेफ्रिजरेटिंग यूनिट का जिसमें R12 को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, उसका प्रेशर है आपका, उसका प्रेशर रहेगा लगभग 8 bar तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस पे, वो क्या होगा? तो वो होगा आपका इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीजेस। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इंक्रीजेस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कारनोट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी फिल इन द ब्लैंक्स एज कम्पेयर टू कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इन समर। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें ये पूछा गया है जो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है कारनोट रेफ्रिजरेटर का, जो कि विंटर में वर्किंग कर रहा है, वो एज कम्पेयर टू सेम कारनोट रेफ्रिजरेटर जो कि समर मतलब गर्मी के मौसम में काम कर रहा है, कैसा होगा? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब हायर होगा, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका हायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गुड गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, जो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है उसमें क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होना चाहिए और होना चाहिए लो फ्रीजिंग पॉइंट। अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपांसन वॉल्व और थ्रोटल वॉल्व इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज। तो आपको इसमें ये बताना है जो रेफ्रिजरेंट का कंडीशन है वो क्या रहता है जब वो एक्सपांसन वॉल्व या फिर थ्रोटल वॉल्व से पास होता है, किस में? वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। तो उसका कंडीशन होता है वेरी वेट वेपर, उस समय वो बहुत ज़्यादा वेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर टू द एयर विदाउट चेंज इन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें सिर्फ आपको ये पूछा है कि आप एग्री हैं या नहीं हैं। अगर हम किसी भी एयर पे हम अगर मॉइस्चर ऐड कर देते हैं बिना उसके टेम्परेचर को चेंज करे, तो हम उसको क्या ह्यूमिडिफिकेशन कहेंगे, ये पूछा है। तो हम उसको, जी हाँ, हम उसको ह्यूमिडिफिकेशन कहेंगे, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी आर एग्री। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, तो जो लिक्विड है और गैस है उनमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस क्रिया द्वारा होता है? तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन, और कंडक्शन को शायद तक हिंदी में संवहन भी कहते हैं।